नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस केमिकल चैनल पर। देखिए, अब हम लोग बेटा डिस्कस करना है वो है बायो मॉलिक्यूल्स। तो फटाफट इस चैप्टर को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसमें है ना। तो बायो मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन लिविंग सिस्टम्स, है ना। लिविंग सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिक या कुछ भी ऐसे मटेरियल्स हैं, जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स का अगर एग्जांपल देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स। इसमें फैट भी आपका शामिल रहेगा, बट बायो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन्स। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, ये आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट विटामिन क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फिर भी ये बायो मॉलिक्यूल्स में शामिल रहेगा। इसीलिए हमने इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं कहा, हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स कहा जो सभी हमारे लिविंग सिस्टम के लिए में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइड्रेट जुड़ता है, यानी कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहे? हाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा रहे। इसलिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है CH2O Y। ये देखिए, ये पुरानी थ्योरी है ना, अब ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आप देखेंगे C6H12O6 ग्लूकोज है ना, तो ये एक तरह से फिट हो जाता है, जैसे CX ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे फिट हो जाता है। जो सुक्रोज है C12H22O11, ये भी हाइड्रेट वाले फॉर्मूले पर फिट हो जाता है। बट एक्चुअली इसकी डिफिनेशन जो होगी वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स दी कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट सभी ऐसे सभी मैटर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ठीक है, ये इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लीजिए, मोनोसैकेराइड। देखिए, थ्री कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो हाइड्रोलिसिस उनकी नहीं होगी, यानी वो फिर से सिंपलर एलिमेंट्स में, सिंपलर यूनिट्स में नहीं ब्रेक होते हैं। तो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है, यानी कि फिर से जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता वो सभी क्या है? मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इस तरह से ढेर सारी जो शुगर होती है वो सभी मोनोसैकेराइड होती है। अब देखिए ऑलिगोसैकेराइड को देख लेते हैं। ऑलिगोसैकेराइड क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करें तो मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती है, वो भी 2 to 10, यानी 2 से 10 यूनिट अगर दे तो उसको क्या कहते हैं? ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या हो सकता है? अगर एग्जाम्पल माइड्रोज, सुक्रोज, बट आपको ज्यादातर एग्जाम्पल में मिलेगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड देखिए, एक तरह से ऑलिगोसैकेराइड का डिवीजन है। जब हम बताते हैं यहाँ पर कि ऑलिगोसैकेराइड कई टाइप के 2 से 10 मॉलिक्यूल दे सकता है, तो अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट रहे जो केवल 2 मॉलिक्यूल देगा तो डाइसैकेराइड। इसी तरह अगर हम कहें तो ट्राइसैकेराइड कह सकते हैं, टेट्रासैकेराइड भी कह सकते हैं, डेका तक जा सकते हैं, 10 तक। तो ये है डाइसैकेराइड। ज्यादातर ये जो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये आपको मिलेंगे, ये ज्यादातर आपको एग्जाम्पल कौन से मिलेंगे? डाइसैकेराइड वाले ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए पॉलीसैकेराइड को देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। ठीक है, जो ढेर सारे मोनोसैकेराइड की यूनिट देते हैं। ऐसे कहा जाए कि जो बहुत सारे ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं है ना, उनको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो क्या होता है? ढेर सारे ग्लूकोज के या मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, इस तरह के ये जितने कंपाउंड है वो सभी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम लोग देखें तो ये मोनोसैकेराइड के कुछ और इम्पोर्टेंट है ना, उनको देख लेते हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट।
डिराइव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जो यूनिट फिर से हाइड्रोलाइज ना हो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ट्राइबोज या टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, ये मोनोसेक्राइड के बारे में बता रहे हैं। देख लीजिए, ट्रायोज यानी कि जिसमें तीन कार्बन हो, C3H6O3, ठीक है, ये ट्रायोज वाले होंगे। टेट्रोज वाले यानी C4H8O4, इस तरह से। पेंटोज के एग्जांपल में आप जानते हैं राइबोज आता है ना, अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो C5H10O5 होगा, है ना, और इसका एग्जांपल जो होता है राइबोज। राइबोज सुगर आप जानते हैं कहां पर होती है, आरएनए में, और इसी तरह अगर सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो डी ऑक्सी राइबोज होता है, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ये दोनों कैसी होती है, पेंटोज सुगर होती है, राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज। बाकी आप जितने ज्यादातर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे ग्लूकोज है आपका, है ना, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, वो सभी हेक्सोज की कैटेगरी में आते हैं, जिनके फॉर्मूले होते हैं C6H12O6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है हम लोगों में कि इसके कंफिग्रेशन देखते हैं, है ना। जैसे इस ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में एक डी ग्लूकोज होता है, एक एल ग्लूकोज होता है, ये आइसोमर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको हमें देखना है, अभी देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए आगे हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो अब हम लोगों को देखना है डी एल नॉमन क्लेचर। इसमें क्या है, हम लोगों को देखना है ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कौन सा डी ग्लूकोज है, कौन सा एल ग्लूकोज है, ठीक है। तो उसको हमें देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि ये डी एल नॉमन क्लेचर होता क्या है। तो एक आसान से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड है जिसमें ये सेंटर में क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिससे जो चार बॉन्ड बने होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के साथ अगर जुड़े हुए हैं वो तो क्या कहलाते हैं, कायरल कार्बन कहलाते हैं। अब देखिए इस ग्लिसरल्डिहाइड में अगर इस किरल या कायरल कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा है अगर ये राइट साइड है तो इसे पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं या डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यही पे जो हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, माइनस ग्लिसरल्डिहाइड, या इसी को एल ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, एल ग्लिसरल्डिहाइड कह देते हैं। ये इसी तरह हम लोग ग्लूकोज में देखते हैं। चलिए देखिए ग्लूकोज में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि तो कि कई ढेर सारे ग्रुप हो जाते हैं, ढेर सारे ग्रुप हो गए इसका मतलब है कि भाई इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये डी है या एल है। तो इसको डिसाइड करने के लिए जो हम लोग देखते हैं वो कार्बन नंबर फाइव से देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, एक मिनट, कार्बन नंबर फाइव को देखिए हम लोग। देखिए जो ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड है, फिर ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और ये हमारा सिक्स है ना। तो ये C6H12O6 हो गया। तो जो फाइव नंबर का OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप किधर है भाई, राइट साइड में है, राइट साइड में है, अर्थात ये ग्लूकोज जो है आपका बना हुआ कौन सा ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना रहता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, या फिशर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में बना रहता है। क्योंकि हम देखते हैं ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी शो करता है, साथ ही साथ साइक्लिक शो करता है। अभी हम उसकी रिएक्शंस देखेंगे कि कब कौन सा स्ट्रेट लाइन वाला रिएक्शन देता है और कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर का रिएक्शन देता है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये कैसे साइक्लिक फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन नंबर फाइव है, फाइव से जो जुड़ा हुआ OH ग्रुप है,
ये OH ग्रुप अपना यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, ये और ये ऑक्सीजन जो होता है ये यहाँ बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ। तो फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, वो फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ बाइंड हो जाता है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पर देखिए, अब ये जब ऐसे, जब ये फाइव नंबर का ये ऐसे बना लेगा तो इधर जो भी है ना, इस कंपाउंड में मतलब जो भी राइट साइड में जितने भी कंपाउंड है वो सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे की ओर रहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और जो इस दिस दूसरी साइड है यानी लेफ्ट साइड है, वो सभी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऊपर साइड की ओर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, इससे यहाँ समझ सकते हैं ये फाइव नंबर का जो कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है, वो हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीजन फ्री हो जाता है लोन पेयर डोनेट करने के लिए, और ये लोन पेयर कार्बन को देकर इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। ये है हमारा ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ये फिशर प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर है। इसमें जो कार्बन नंबर फाइव है, ये फाइव का OH है, ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, कार्बन नंबर वन के साथ लोन पेयर डोनेट करके। तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का, ये डी ग्लूकोज है, क्योंकि कार्बन नंबर फाइव पे जो भी कार्बन नंबर फाइव पे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किधर है, राइट साइड है, डी ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन डी ग्लूकोज के दो फॉर्म हो जाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज क्या है और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। तो अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है भाई, कि ये जो सेकेंड नंबर का OH ग्रुप होता है ना, ये वाला है ना, जो आपका फाइव नंबर का OH जाएगा और जाकर जुड़ेगा किसके साथ, जुड़ेगा फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ। अगर ये राइट साइड में है तो इसको हम लोग अल्फा डी कहते हैं, कैसा कहलाएगा, अगर ये राइट साइड में है तो इसको हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। बट यही अगर अपोजिट हो जाए है ना, इस तरह से बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन देखते हैं। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शन कह देते हैं। ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शन कह देते हैं। हैवर्थ प्रोजेक्शन को यहाँ पर नीचे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फॉर्म होता है। तो जो कंपाउंड जब स्ट्रेट लाइन से वो चेंज होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो जो कंपाउंड राइट साइड की ओर हो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे नीचे की ओर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बना है, ये अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज है, चूंकि इसकी इसका स्ट्रक्चर पायरन से मिलता जुलता है इसीलिए इसको पायरनोज कह देते हैं। ठीक है, ये अल्फा डी है और ये बीटा डी ग्लूकोपायरनोज है। इसको समझ लीजिए ये क्या है, हमने बताया था अभी ऊपर कि यहाँ पर देखिए, अगर ये फर्स्ट नंबर का कार्बन जो है, फर्स्ट नंबर का कार्बन जो है इससे जो OH ग्रुप जुड़ा है, अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो जाता है भाई, बीटा हो जाता है, और अगर ये राइट साइड में है OH तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्फा कह देते हैं। और हमने ये भी बताया कि जो चीज़ें राइट साइड मतलब कि इस रिंग के यहाँ वो आपका ऐसे जुड़ गया, तो इसमें अब जब OH वो इस तरह से जुड़ जाता है, जो राइट साइड में होती है ये चीज़ें, ये सभी क्या होती है, रिंग के नीचे की ओर रहती हैं, और जो लेफ्ट साइड में रहती हैं यानी कि ये लेफ्ट साइड में इस तरह देखेंगे तो वो ऊपर की साइड रहते हैं। इसको यहाँ पर इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये जितनी भी चीज़ें उधर राइट साइड थी वो यहाँ पर क्या है, नीचे है, और जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये देखिए पायरान का स्ट्रक्चर ये है हमारा, पायरान का जो स्ट्रक्चर होता है उसी से मिलता जुलता ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको ग्लूकोपायरनोज कह देते हैं। तो हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज कहलाता है, और ये वाला बीटा डी ग्लूकोपायरनोज कहलाता है। बीटा डी में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर से जुड़ा हुआ OH होता है वो लेफ्ट साइड हो जाता है, इसीलिए लेफ्ट साइड जो चीज़ें रहती हैं वो OH ऊपर की ओर हो जाती हैं, और यहाँ पर राइट साइड में OH था फर्स्ट नंबर कार्बन से जुड़ा तो वो नीचे की ओर हो जाएंगी। अगर राइट साइड में रहेगा यानी कि फर्स्ट कार्बन का OH जो ग्रुप रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा तो अल्फा डी कहलाएगा और ये बीटा डी कहलाएगा। इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला बीटा डी वाला स्टेबल होता है ज़्यादा। क्यों स्टेबल ज़्यादा हो जाता है भाई, इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये OH और ये OH देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो
इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये बीटा वाला स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होता है। तो इसीलिए आप जब भी देखेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज वाले कंपाउंड ज़्यादा फॉर्म होते हैं, क्योंकि बीटा डी वाले आप देखेंगे कि मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा कम मात्रा में फॉर्म होते हैं और डी ग्लूकोज आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसी तरह देखिए डीएनए में, देखिएगा डीएनए में जो होता है हमारा, डीएनए में भी पेंटोज शुगर पाई जाती है। अभी हमने पहले बताया था कि पेंटोज शुगर होती है, उसमें 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन में आप देखेंगे तो जो शुगर होती है वो डीएनए में बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि अभी हम बताते हैं वो क्या होता है कि यहाँ पर, यहाँ इस स्ट्रक्चर से देखिए तो और समझ में आएगा। पहले राइबोज को देख लेते हैं। राइबोज में जो होता है, राइबोज में जो शर्करा होती है वो आरएनए में, सॉरी वो राइबोज शर्करा होती है। इसमें इस तरह से ये बीटा पोजीशन है ना, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ऊपर की ओर है, और इसलिए ये बीटा पोजीशन कहलाएगा और बीटा डी राइबोज शर्करा कहलाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा डी राइबोज शर्करा हो जाएगी। और सेकेंड नंबर से जब OH अगर निकल जाए, OH अगर निकल जाए तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? डी ऑक्सी राइबोज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं कि जो डीएनए और आरएनए में होता है वो दोनों ही बीटा डी राइबोज या बीटा डी डी ऑक्सी राइबोज होते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये बीटा डी 2 सेकेंड नंबर से ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज लिखा हुआ है, जबकि आरएनए में बीटा डी राइबोज शुगर होती है। ठीक है, आगे चलिए देखिए। अब देखिए फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो ग्लूकोज की बात हो गई, फ्रक्टोज स्ट्रक्चर देख लिया हमने, फ्रक्टोज को देख लेते हैं भाई यहीं पर, थोड़ा सा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, ये जो ग्लूकोज में आपने देखा था तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, बस इतना पर सेकंड नंबर पे क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। तो ये 5 नंबर का जो OH है ये बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, अगर जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, हेवर्थ प्रोजेक्शन बनाएगा, तो ये जो 5 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ O है वो किससे जुड़ेगा? सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ेगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फ्यूरॉन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको, अब देखिए OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप जुड़ा है अगर ये लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा डी, है ना। और यही OH ग्रुप जो 5 नंबर का, सॉरी सेकंड नंबर से जुड़ा है, अगर ये लेफ्ट साइड रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीटा। और यहाँ पर भी वही रहेगा कि जो बीटा वाला स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारा जनरली कहाँ से मिल जाता है? जितने भी स्वीट फ्रूट होते हैं और हनी, है ना, उन सभी में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। देखिए फ्रूट में फ्रक्टोज शुगर भी पाई जाती है, लेकिन हनी में स्पेशली क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेप्स में जो होता है, ग्रेप्स में भी ग्लूकोज ही पाया जाता है। अब देखिए ग्लूकोज कैसे फॉर्म करेंगे, तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन की का एक मेथड है फ्रॉम सुक्रोज, केन शुगर। तो केन शुगर का को लेकर हम लोग उसके जो जूस को लेकर क्या कर सकते हैं? HCl, डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ हम लोग मिला सकते हैं। तो उसमें क्या होगा? सुक्रोज से एक मॉलिक्यूल क्या मिलेगा? ग्लूकोज का, और एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें फ्रक्टोज का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन बनी हुई है। सुक्रोज को जब वाटर के साथ मिलाकर किसी एसिड के साथ क्या कर दें, उसको रिएक्ट कराएंगे, तो 1 मोल ग्लूकोज बन जाएगा और 1 मोल फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दूसरा मेथड है हमारा स्टार्च से। स्टार्च से कैसे बनाएंगे भाई? स्टार्च में क्या होता है, जानते हैं जितने फूड हम लोग इंटेक करते हैं ज़्यादातर जो हैवी अमाउंट में होता है वो स्टार्च होता है, और स्टार्च को बॉयल कर दें किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉयल कर दें, तो क्या बन जाता है? हमारे ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्च होता है, स्टार्च या सेलुलोज, ये हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे समझा जाएगा, तो इसके लिए ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं, है ना, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं,
तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि अगर पहला है हम लोग कैसे देखेंगे कि स्ट्रेट चेन है, ठीक है, का जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन है। तो क्या करते हैं हम लोग ग्लूकोज को लेकर एच आई के साथ, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एन हेक्सेन फॉर्म हो जाता है। ग्लूकोज को जब हम लोग एच आई के साथ क्या कर दें, हीट कर दें, तो देखते हैं कि एन हेक्सेन फाइंड हो जाता है, मिल जाता है हमें प्रोडक्ट के रूप में। इससे ये हमें पता चल जाता है कि जो ग्लूकोज है वो सभी किस तरह के स्ट्रक्चर में रहता है, वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए अगले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज में कोई ना कोई कीटोन ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप रहता है। तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो इसकी इसको समझाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करा दें, ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें। ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम लोग कराते हैं रिएक्शन, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है। देखिए ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ये केवल रिएक्ट करेगा किससे, एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जो उसको चेंज कर देता है COH में, और क्या बना देता है, ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। इसको नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, कि जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है, यानी CHO ग्रुप चेंज किस में हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो ये कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को ये भी डिनोट करता है, क्या होता है कि जो CHO ग्रुप होता है, ये CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये हमारा, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा दें, तो ये हमें मिल जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या मिल जाता है भाई, साइनोहाइड्रिन मिल जाता है, साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। यहाँ पर ये हमारा साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाए, ये क्या बन गया हमारा, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। इसमें क्या होता है, जो ये CHO ग्रुप है इस तरह से होता है CO और H, तो इसमें क्या होता है, ये CN ग्रुप जो होता है ना, ये CN ग्रुप यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, और H जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड एक कार्बन का फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो वो कार्बन के साथ क्या बना लेगा, CN जाकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है ये साइनोहाइड्रिन है। ये डिनोट करता है कि इस कंपाउंड ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या करें, अगर हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करा दें, ग्लूकोज की रिएक्शन करा दें हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर करा दें, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है ऑक्सिम, ऑक्सिम। इस तरह से ये कार्बन के साथ क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोक्सिल एमीन जुड़ जाता है, और हाइड्रोक्सिल एमीन जुड़ के ऑक्सिम बना लेता है। ये भी डिनोट करता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आगे देखिए, अब देखिए ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो इस रिएक्शन से, जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, किसे करा देते हैं भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इससे रिएक्शन करा देते हैं किसकी, ग्लूकोज की। तो आप देखेंगे कि जितने OH होते हैं टोटल, आपने देखा है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऊपर की ओर कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर और 1 OH यहाँ पर, तो टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और वो सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, एसिटिक ग्रुप के साथ, एसिटिक ग्रुप के साथ, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना लेते हैं। पेंटा एसिटेट का मतलब पांचों के पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से रिमूव हो जाते हैं। तो ये किसको दर्शाता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, चलिए देखिए
अब क्या है, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा देते हैं हम लोग, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसके साथ करा दें, HNO3 के साथ करा दें, नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप साथ ही साथ प्राइमरी एल्कोहल जो होता है उन दोनों को चेंज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है। तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दें तो CHO ग्रुप और प्राइमरी एल्कोहल दोनों ही चेंज हो जाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं और सैक्रिक एसिड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और या इसी को ऐसे भी बता सकते हैं कि जब हम लोग क्या किए थे अभी ऊपर की ओर, हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कि ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करा दें, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो केवल एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप होता है वो चेंज होता हो जाता है या उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है। अगर उसमें भी HNO3 मिला दिया जाए, कंसनट्रेटेड HNO3, तो वो भी चेंज हो जाता है किसमें, सैक्रिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर बता दे रहा है कि एक प्राइमरी एल्कोहल है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस हो गई है ना। अब देखिए सुक्रोज देख लेते हैं, ऑलिगोसैकेराइड में सुक्रोज को देख लेते हैं। सुक्रोज क्या होता है, ये डाइसैकेराइड होता है, और ये क्या होता है, डी प्लस ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है, या ऐसे कहें ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जब सुक्रोज का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल हमें मिलता है। माल्टोज देख लीजिए, ये भी एक तरह का डाइसैकेराइड है। इसमें क्या होता है कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, और ये जो बीच में बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो दो भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं वो कौन सा, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बचा है लैक्टोज। लैक्टोज हमें कैसे मिलता है, लैक्टोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और एक मॉलिक्यूल किसका हो जाता है, गैलेक्टोज का होता है। और जानते हैं आप लैक्टोज जो होती है वो मिल्क शुगर कहलाती है, मिल्क में मिलती है हमें, तो ये भी किसके साथ जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं आपस में। तो ये आपका डाइसैकेराइड है, जो दो तीन इंपॉर्टेंट है जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इनको याद रखेंगे। अब कुछ पॉलीसेक्राइड है, उनके भी एग्जांपल देख लीजिए। पॉलीसेक्राइड आप जानते हैं कि ढेर सारे मतलब पॉलीमर होते हैं मोनोसेक्राइड के, ढेर सारे मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा पॉलीसेक्राइड है वो एमाइलोज है, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टार्च कह देते हैं, बहुत ही फेमस है ये स्टार्च है। और यहाँ पर ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, अल्फा लिंक है ना, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरह से कंटिन्यू जुड़ते हुए चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टार्च कहलाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप इसमें और देख सकते हैं, जैसे आपका ग्लाइकोजन है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप क्या देखेंगे, ग्लाइकोजन है साथ ही साथ सेलुलोज है, जो प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, वो सभी क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं क्लास में।